स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 12, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में, हमने ये स्टडी कर लिया था कि एनवायरमेंट क्या है। तो एक बार रिवाइज कर रहे थे कि एनवायरमेंट वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे आजू बाजू है, लिविंग थिंग हो या तो नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटूज, ओशंस, एनी थिंग दैट सराउंड्स अस इज इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट। नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पूरा चैप्टर समझने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन क्या है। सो पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड। दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। There are four kinds of pollution: water, air, noise and soil. तो pollution क्या है? तो pollution हमारे environment में जो भी harmful चीज़ें added होती हैं उसको हम pollution बोलते हैं। जो हमारे around का जो भी area है वहाँ पे कोई नुकसान होता है, air में, water में, या तो land में, सॉइल में, ग्राउंड में, कई सारे टाइप के पोल्यूशन होते हैं। तो वो प्योर हो, जब भी बहुत सालों पहले ये पूरा एनवायरनमेंट प्योर था, पर अभी सब बिगड़ने लगा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। तो जो सब्सटेंसेस है उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, एंड जो प्रोसेस होती है उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हम फोर टाइप्स के पॉल्यूशन का स्टडी करेंगे: वाटर, एयर, नॉइस एंड सॉइल। तो नाउ फर्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स। एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉल्यूटिंग फैक्टर्स इज स्टॉर्म। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन है तो यहाँ पे हम नेम से ही हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किसका होगा। तो वाटर जो है, वाटर बॉडीज में कुछ भी आ सकता है, ओशंस, रिवर, पॉन्ड्स, कुछ भी, जो वाटर जहाँ पे हो वो, जिस जो पॉल्यूशन नेचुरल फैक्टर्स से भी होता है और ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल मतलब कि जिसमें ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं है। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, कैलामिटीज़ आती है, उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन होता है दैट इज़ नेचुरल पोल्यूशन। एंड ह्यूमन मेड मतलब कि जो, मतलब एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है दैट इज़ दी ह्यूमन मेड पोल्यूशन। यहाँ पे एक नेचुरल पोल्यूटिंग फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा है? स्टॉर्म है। Storms usually cause mud, soil and other harmful particles to dissolve in water. तो जो storms है वो क्या करता है? Storms मतलब कि बहुत ही strong हवा आती है और उसकी वजह से उसके साथ में mud, soil और other harmful particles जो होते हैं वो water के साथ mix हो जाते हैं। In this manner water becomes unfit for consumption. वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो स्टॉर्म की वजह से जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट इज़ पॉल्यूटेंट्स, तो उसकी वजह से कोई भी लिविंग थिंग उसका कंजम्पशन नहीं कर सकती है, क्योंकि हम सिर्फ क्लीन वाटर ही पी सकते हैं, गंदा पानी हम नहीं पियेंगे। अगर गंदा पानी पियेंगे तो क्या होगा? वी विल फॉल सिक, राइट? तो वाटर पॉल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। तो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है? द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रेवलेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन आर केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड वेस्ट एंड सुएज बींग डंप इन टू पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। तो फैक्ट्रीज में से केमिकल वेस्ट निकलता है, हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, और सीवेज मतलब कि कचरा जो भी है वो हम अगर वाटर बॉडीज में डाल दे तो वो सारी, वो जो उतना पानी होगा दैट विल बी अनफिट फॉर कंजम्पशन, और उसकी वजह से कई सारी बीमारी भी फैलती है। लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स,
नाउ कभी कभी कैसा होता है कि हर कंट्री में ऑयल का ओरिजिन नहीं होता है, कोई कोई कंट्रीज़ में ही होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, राइट? तो वहाँ से अगर हमें इंडिया में ऑयल लाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो थोड़ी एयरप्लेन से तो नहीं ला सकते हैं, तो कैसे लाएंगे? वाटर वे से, कि शिप में बड़े बड़े शिप होते हैं, उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ओशंस में से आता है, राइट? तो अगर सऊदी अरेबिया से इंडिया में रास्ते में कुछ हो गया और कुछ हादसा हो गया, तो वो जो पूरा ऑयल है वो पूरा ओशन में जाता है। और हमें ये पता है कि वाटर एंड ऑयल डज नॉट मिक्स। अगर आप पानी में ऑयल डालोगे तो क्या होगा पता है आपको? कि वहाँ ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, मिक्स नहीं होगा। जैसे सॉल्ट और वाटर मिक्स हो जाता है, शुगर और वाटर मिक्स हो जाता है, वैसे कभी ऑयल और वाटर नहीं मिक्स होगा। ओके, तो ये जो ऑयल का लीकेज हुआ है वो क्या करता है? ऑयल वहाँ पे ओशंस में सारी फिश और कई सारे दूसरे वाटर एनिमल्स रहते हैं, तो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वाटर में वो उसको बंद कर देता है, उसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है वो हिल जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग कैटल इन रिवर्स स्ट्रीम्स पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो जो कैटल्स हैं, कैटल्स मतलब कि काउस, बफेलो, शीप, गोट, ये सारे एनिमल्स जो है हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं पेट कर सकते हैं वो सारे, उसकी अगर हम क्लोथ्स भी वॉश करते हैं और कैटल्स को भी हम नहलाते हैं वहाँ पे, तो पानी गंदा ही हो जाता है। नाउ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड एंड गैस्ट्रोन्थ्रेसिस। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। तो पोल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से कई सारे डिजीजेस होते हैं। पानी सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं पर प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी बहुत ही अफेक्ट करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन और यूज पोल्यूटेड वाटर बिकम वीक एंड डाई स्लोली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर। प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स को पता है कि वो पोल्यूटेड वाटर है तो वो हम नहीं ड्रिंक करेंगे, हम क्या करेंगे? उसको प्योरीफाई कर देंगे। एक्वागार्ड आते हैं, प्योरिट आते हैं, उससे कई और सारे मेथड होते हैं। पर एनिमल्स और प्लांट्स को तो नहीं पता होता है कि द वाटर इज़ वेरी मच पोल्यूटेड और उसकी वजह से हम मर भी सकते हैं। तो ये जो एनिमल्स है वो पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, उन लोगों का जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और वो धीरे धीरे डाई, राइट? और अगर हम पोल्यूटेड वाटर प्लांट्स में डालेंगे तो वो जो क्वालिटी होगा फ्रूट्स का वो उतना नहीं आएगा जितना क्लीन वाटर में आएगा। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स भी पोल्यूटेड वाटर पी लेते हैं तो क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड, एनिमल्स कंज्यूम दिस पोल्यूटेड वाटर एंड बिकम सिक। तो उनका जो ग्रोथ हो जाता है वो बहुत ही कम होता है, अच्छे से नहीं होता है, क्वालिटी वाला नहीं होता है। और अगर एनिमल्स ऐसा वाटर कंज्यूम करते हैं तो दे बिकम सिक। ओके, एंड उसके डॉक्टर्स और होते हैं पर तो भी उन लोगों को तो पता नहीं चलता। आई होप कि आपको ये सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया है। थैंक यू।